हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये देखिए फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी देखना फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह की एक पुरानी लेस मैंने अपने पुराने लहंगे पे से उतारी है फ्रेंड्स, और ये देखिए लेस से हम बहुत कुछ बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने एक पुराने कुर्ते में से इस तरह से एक पीस निकाला है। यहाँ से इसकी लेंथ है फ्रेंड 21 इंच, और यहाँ से इसकी लेंथ है फ्रेंड 39.5 इंच। मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, यहाँ से 39.5 इंच, और इस साइड से इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 21 इंच। कपड़े का और इसका यूज करके इसके साथ साथ हमें एक डोरी चाहिए, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों का यूज करके आज हम बहुत ही सुंदर सा एक DIY रेडी करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसके साथ हम फोम शीट और उसके साथ लाइनिंग को अटैच करेंगे। अगर आपके पास फोम शीट है तो फोम शीट लगा सकते हैं, वरना राइस बैग या फिर रबर शीट वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें एक पीस इसको यहाँ अटैच करना है, और इसका एक पीस हमें यहाँ लगाना है फ्रेंड्स। दोनों साइड इसका एक एक पीस हमें लगाना है। इसको पूरे को मैं क्विल्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये इस तरह से मैंने इस पीस को अच्छे से क्विल्ट कर लिया है। ये देखिए, इसकी बैक साइड एक स्टिचिंग मैंने यहाँ लगाई है, और इसके दोनों साइड भी मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी लेस के पीसेस थे इनको इनके साथ अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसके दोनों साइड हम सिलाई लगाएंगे, अटैच करेंगे। एक सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे, एक सिलाई हम दूसरी साइड से लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ लेस को अटैच कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो किनारे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इस साइड भी और इस साइड भी, चारों साइड हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से वन टाइम और टू टाइम, सिर्फ जहाँ कहाँ तक फोल्ड करना है, ऊपर से लेके सिर्फ जहाँ तक हमने लेस लगाई है, जो ये लगाई है ना लेस हमने, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे इस तरह से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इस साइड भी, इस साइड भी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों चारों साइड मैंने स्टिच कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करते हुए हमें इसको नीचे से गोलाई की शेप देनी है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं यहां से, ये देखिए, यहां से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स, 3 इंच पे। इस साइड भी मैं यहां से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और ऊपर जहां से ये हमारी लेस खत्म होती है फ्रेंड्स, इससे मैं यहां से इसको गोलाई की शेप दे दूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से सेम इसी तरह मैं इस साइड से भी दे दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। पहले हम एक साइड की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम उस पार्ट को दूसरे के ऊपर रखते हुए दूसरे साइड की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ से कुछ इस तरह से हमारी ये कटिंग होगी फ्रेंड्स, ठीक है। सेम इसको इस तरह से खोलेंगे हम, और इसको इस साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, और हम यहाँ से इसको कट कर देंगे इस पार्ट को, जिससे क्या होगा कि दोनों साइड की कटिंग जो होगी सेम होगी, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इजी है इस बैग को बनाना, बहुत ही कम समय में और वेस्ट क्लॉथ के साथ ये बैग रेडी हो जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड से कटिंग को कर लिया, और इसको गोलाई की मैंने शेप दे दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऊपर की साइड से यहां से वन टाइम फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे सिलाई लगानी, इस साइड भी और दूसरी साइड भी, और उसके बाद हमें जहां तक हमने ये लेस लगाई है, यानी कि ये देखिए, मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना फोल्ड करना है। यहाँ से फ्रेंड्स 2 इंच है, ठीक है, 2 इंच हमें इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस तरह करते हुए हमें इस पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसके बाद 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा का स्पेस छोड़ते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें इस पे 2 सिलाई लगानी है, एक तो 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 पॉइंट, यानी कि 0.6 पे हमें एक
सिलाई लगानी है, पहले यहाँ लगानी सिलाई, दूसरी सिलाई यहाँ आएगी, पहली सिलाई यहाँ आएगी। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। पहले हम इसको सिर्फ वन टाइम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पे रखते हुए इस पे पूरे पे दोबारा से स्टिचिंग लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस पे स्टिचिंग कर लिया, इस साइड भी और इस साइड भी मैंने इस पे स्टिचिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे यहाँ से देखो मैं बता रही हूँ आपको नज़दीक से यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये बीच में जो हमने ये बनाई है यहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी, फिर यहाँ से फिर शुरू करना है, बीच का इतना पार्ट पे हमें सिलाई नहीं करनी। यहाँ से स्टिचिंग करना शुरू करेंगे, यहाँ स्टॉप, फिर यहाँ से स्टिचिंग करना शुरू करेंगे हम, यहाँ से पूरी गुलाई पे फिनिशिंग से के साथ हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर इतने पार्ट पे फिर स्टॉप और फिर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक मैंने स्टिच कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डोरी डालनी। डोरी डालने के लिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से ये एक रिबन लिया है, एक पुराने दुपट्टा था उसके ऊपर से मैंने इसको उतारा है और इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमें ये देखिए इसको इसके अंदर डालने के लिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक सुई ली है, इसमें इस तरह से धागा डाला है, उसको मैंने उस पर मैंने नॉट लगा दिए, उसके अंदर मैं इसको इस तरह से डाल लेती हूँ फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इसके ऊपर हमें कितनी बड़ी कितना बड़ा रिबन चाहिए। देखिए यह 1 2 डबल कर लिया, डबल के बाद हमें नॉट लगाने के लिए चाहिए थोड़ा सा, तो इतना इतना एक्स्ट्रा हमें चाहिए है, तो मैं इसके इस तरह से यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद मुझे इस तरह से डबल रिबन चाहिए फ्रेंड्स। डोरी के लिए डबल रिबन चाहिए तो मैं डबल कट कर लेती हूँ इस तरह से, इसी के इक्वल नेप का मैं एक पीस और कट कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए मैंने दूसरा पीस कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं इस तरह रखती हूँ, एक रिबन का एक पार्ट मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से रिबन को इसके अंदर डाला, इस तरह से रिबन के अंदर सुई को और धागे को यूं निकाल लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम धागे जहाँ हमने स्पेस छोड़ा था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने बीच में स्पेस छोड़ा था, यहाँ पे हम सुई को उल्टा डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से डालते हुए दूसरी साइड हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड से डालते हुए यहाँ से कवर करते हुए पूरे को हमने दूसरी साइड से इसको रिबन को निकाल लिया है। तो हमने एक साइड से रिबन को निकाल लिया, हमने एक रिबन डाल लिया, अब हम डालेंगे दूसरे वाला रिबन। दूसरे वाला रिबन हम डालेंगे जिस साइड से हमारे जो रिबन ओपन है, यानी कि इस साइड से फ्रेंड्स इस साइड से डालना, उस साइड तो थे रिबन ओपन थे, उससे अपोजिट साइड से, उस साइड से तो हमारे रिबन निकले हुए हैं, तो हम इस साइड से डालना शुरू करेंगे, एक साइड से डालना शुरू करेंगे और दूसरी साइड से हम उसको निकालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स मैं इसको डाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें रिबन डाल लिए हैं दोनों साइड से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर हैंडल लगाना है। हैंडल के लिए मैंने इस तरह से दो डोरियाँ ली हैं फ्रेंड्स। ये देखिए रिबन को मैंने अच्छे से डाल दिया है, अब ये दो डोरियाँ ली है, इन दोनों डोरियों को मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी। किस तरह, यहाँ से देखिए इस तरह से, ये देखिए दोनों साइड से 3-3 इंच छोड़ते हुए मैं इन दोनों डोरियों को मशीन की हेल्प से स्टिच कर लूँगी फ्रेंड्स। ठीक है दोनों साइड, ठीक है इस साइड भी और उसके अपोजिट साइड दूसरी को भी मैं अटैच कर लूँगी। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको अटैच करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें इसको डोरियों को लगाना है। ठीक है डोरियों को सिर्फ इसका अंदर की साइड रखना है और इस पर सिलाई कर देनी है। ये देखिए मैंने इस तरह से डोरियों को अटैच कर लिया है, अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया, प्रॉपर शेप आई है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये पॉटली बैग हमारा रेडी हुआ है। ठीक है और ये जो हमने रिबन डाले थे फ्रेंड्स वो अंदर की साइड है। अब हमें क्या करना है, जहाँ से 1/2 इंच हमने छोड़ी थी, सिलाई नहीं की थी, वहाँ से इन रिबनों को हम बाहर की साइड निकाल लेंगे फ्रेंड्स, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। ठीक है ये देखिए मैंने दोनों साइड से रिबन को बाहर निकाल लिया, जहाँ से 1/2 इंच हमने छोड़ा था।
ये इस तरह से हमारा ये पॉटली बैग रेडी हो गया। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, इसमें आप जो भी डालना चाहो, इसमें मोबाइल भी ईजी आ जाएगा, आपके पैसे वगैरह डालने हो, छोटा मोटा लिपस्टिक वगैरह, क्रीम वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हो। आप चाहो तो इसमें पैसे वगैरह भी डाल के रख सकते हो। ज्वेलरी वगैरह के लिए भी बेस्ट है फ्रेंड्स ये, क्योंकि इसमें फॉर्म शीट लगी है तो आप इसमें ज्वेलरी भी इजीली डाल सकते हो, रख सकते हो फ्रेंड्स। लेस जो ये है, अब देखो ये हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे रेडी हुआ है। जो कपड़ा था ये हमारा पुराना सूट था, लेस थी जो पुराने लहंगे पे से उतार थी, रिबन था जो पुरानी चुन्नी पे से उतारा था, और ये डोरी, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको खींच भी दिया है और दोनों साइड हम रिबन की नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैं इसकी नॉट भी लगा के दिखा देती हूँ आपको। इससे फ्रेंड्स इसकी लुक बहुत ही सुंदर आएगी। आप चाहो तो रिबन के साइड में लटकन वगैरह भी लगा सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, और अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, नहीं लगाना चाहो तो ना लगाइए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस साइड भी नॉट लगा दिए फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमारा ये पॉटली बैग रेडी हो गया है, पार्टी वेयर पॉटली बैग रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम हाथ में डालेंगे इसको, ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लुक आ रही है फ्रेंड्स इसकी, बहुत ही अच्छा बना है। हमारा मोबाइल्स वगैरह के लिए, थोड़ा बहुत जो हम पैसे रखते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लुक आया फ्रेंड्स। आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कॉमेंट करके बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा और ये पर्स कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू।